क्या दोस्तों आप लोगों का मिर्च का पौधा पत्ते ऐसे होता है, यानी पत्ते पीले होके सूख कर गिर जाता है नीचे? तो ऐसे अगर होता है तो ये किसके कारण होता है? यानी आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मिर्च के पौधे में पत्ते पीले पड़ने का कारण तथा उसको कंट्रोल करने का उपाय। तो दोस्तों मिर्च के पौधे में पत्ते बहुत सारे कारण के पीले हो जाता है और उसके कारण पत्ते नीचे गिर जाता है, जिससे किसानों का बहुत सारा नुकसान होता है। पौधा ठीक ठाक से ग्रो नहीं करता है और धीरे धीरे पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मिर्च के पौधे में पत्ते पीले पड़ने का कारण और उसका कंट्रोल करने का उपाय, और एक एक की बारी से हम इसको समझाएंगे आप लोगों को, और उसका कंट्रोल करने का क्या क्या दवा मिलता है उसको भी हम डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मिर्च के पौधे में पत्ते पीले पड़ने का बहुत सारे कारण होता है, तो एक एक के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि किसके किसके कारण मिर्च के पौधे में पत्ते पीले होके नीचे सूख कर गिर जाता है और उसको कैसे कंट्रोल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण होता है, अगर आप लोगों का प्लॉट में ज़्यादा पानी आप लोग सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो भी मिर्च के पौधे पत्ते पीले होके सूख कर नीचे गिर जाता है। जैसे कि अभी जो यहाँ पर जिस प्लॉट में आप लोग हैं, इस प्लॉट में ऐसे ही समस्या हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पानी सिंचाई करने के वजह से पत्ते पीले होकर नीचे सूख के गिर जा रहा है। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने का तो कुछ दवा हुआ है नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी अगर दे देते हैं तो फिर उसको कंट्रोल करने का बस एक ही सॉल्यूशन है कि ज़्यादा पानी मत देना, क्योंकि जो सटीक मात्रा है उसी मात्रा से आप लोग पानी देते हैं तो ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों कि ज़्यादा पानी के कारण पत्ते पीले पड़ने का। अब जो दूसरा कारण होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट के कमी के कारण, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी होता है। तो यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन की कमी। तो ऐसे अगर होता है तो इसको नाइट्रोजन की कमी समझ लीजिए, और इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को अगर ऑर्गेनिक में डालते हैं तो गोबर सार अगर आप लोग डालते हैं तो ठीक हो जाएगा, और अगर आप लोग जैसे कि यूरिया खाद आता है तो उसको आप लोग पर पौधे में, मतलब हर पौधे में 5 से 6 दाना अगर डाल देते हैं तो ठीक ठाक तरीके से वो ठीक हो जाएगा। अब दूसरा तो हो गया नाइट्रोजन का डिफिशियंसी। अब तीसरा जो होता है मैग्नीशियम डिफिशियंसी, जहाँ इसके पौधे में देखिए यहाँ पर इसका जो पौधा है थोड़ा थोड़ा पीला हो रहा है, थोड़ा थोड़ा साइड साइड, और ऐसे ही हो रहा है मैग्नीशियम की डिफिशियंस के कारण। और इसको कंट्रोल करने के लिए 4 से 5 ग्राम आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे करने से ये ठीक ठाक हो जाएगा। और अगर आप लोग पौधे के नीचे, जड़ के नीचे डालते हैं मतलब खाद के रूप में, तो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि सल्फर की कमी की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से होता है, और यहाँ पर इस साइड जो देख रहे हैं सल्फर की कमी की वजह से और आयरन की कमी की वजह से, इस साइड राइट साइड देख रहे हैं, तो दोनों के कारण होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को सल्फर लेना है 3 से 4 ml पर लीटर पानी में, और स्प्रे कर देने से ठीक हो जाएगा। और आयरन का भी सेम, जैसे 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के अगर छिड़काव करते हैं तो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों फंगस के कारण भी होता है, तो फंगस के कारण के लिए आप लोगों को मेटालेक्सी मेनकोजेब को छिड़काव करने से 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में तो ठीक हो जाएगा। और वायरस के कारण भी होता है, तो वायरस के कारण होने के वजह बहुत सारे होता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट का अटैक होता है, तो फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा अटैक हो जाता है तो पत्ता सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे पीला हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल कर लेकिन इमिडाक्लोरोपीड को स्प्रे करने से ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा कभी कभी क्लोरोफिल की कमी हो जाता है पौधे में, तो उसके कारण भी पत्ते पीले होकर नीचे सूख कर गिर जाता है। तो इतने सारे कारण में पत्ते दोस्तों मिर्च के पौधे में पीला हो जाता है, और उसको कंट्रोल करने का तरीका तो हम बता दिया। तो ये था दोस्तों मिर्च के पौधे में पत्ते पीले पड़ने का कारण तथा उसको कंट्रोल करने का उपाय। इस वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो चैनल में जाके कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।